नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन में। दोस्तों, हमेशा की भांति आज मैं आपको अनुपात समानुपात जो हमारे पास नॉलेज चल रही है उसका पार्ट नंबर में 4 लेके आया हूँ। मैंने पहले भी सरलीकरण है और भी कई प्रश्न वाली जैसे संख्या पद्धति है उसके भी काफी सारी वीडियो अपलोड कर दी है एलसीएम एसएफ है, तो उनके वीडियो की प्लेलिस्ट आप सबको बताए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथमेटिक्स के नाम से बड़ी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट पे जाके मैथमेटिक्स के वीडियो देख सकते हैं तथा जीके के भी अलग प्लेलिस्ट है उसमें जाके जीके की वीडियो देख सकते हैं। चलो बिना देरी किए आज शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों की बात करेंगे आज हम, जैसे आपको देता है ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, कैसे देता है, तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। 4:5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको देता है। आप कोशिश कीजिए पहले करने की, फिर मैं करवाता हूं आपको। जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए। चलो देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। आप सबको पता है, पहले तो देख लो दोनों में कौन आ रहा है। बी देखो, बी क्या है, बी दोनों में, इसका मतलब बी क्या है, दोनों का पड़ोसी, ए का भी पड़ोसी है और सी का भी पड़ोसी। इसका मतलब दोनों का पड़ोसी किस स्थिति में हो सकता है, जब बीच में हो, तो आपको बी को लिखना है बंदे में और ए और सी को लिखना है साइड में, ए और सी लिख। अब आपको जो दे रखा है वो लिख दो। चलो देखते हैं ए का मान कितना है। देखो पहले वाले का और सेकेंड वाले का मान 2 और 3। अब आगे क्या दे रखा है, बी का मान 4 और सी का मान 5, तो 4 और बी के सिद्ध में लिख दो 4 और सी के सिद्ध में लिख दो 5। यो अब देखो आपके पास खाली जगह नहीं होनी चाहिए, खाली जगह नहीं होनी चाहिए क्योंकि खाली जगह को यूज में लेना है। तो हमेशा ध्यान रखना खाली जगह हो तो कोई भी प्लॉट खाली पड़ा हो उस पर पड़ोसी कब्जा कर लेता है। कौन कब्जा कर लेता है, पड़ोसी, पड़ोसी है ना वो, बहुत वैसे देखे। चलो आगे देखे, यहां को देगा 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, इनको गुणा कर देना है। 4 2 कितना हुआ 8 हुआ, 4 3 कितना हुआ 12 हुआ, 5 3 15 हुआ। यह आपका कितना आया, यह आया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया 8:12:15। ये एबीसी का मान आ गया। यदि आपको कहता है ए और सी बताओ तो 8 और 15 होता, जो आपको ज्ञात करने के लिए कहता है वो हम लिख देते हैं। चलो इसी तरह के एक क्वेश्चन में और करवाता हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। सेशन बढ़िया लग रहा है तो लाइक शेयर साथ साथ करते रहिए, मुझे पूरी सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपको इस चैनल पे पूरी मेहनत है जो कंपटीशन लेवल के वो करवाने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़ जाइए जल्दी से। चलो देखते हैं, कई बार ऐसे देते हैं ए अनुपात बी बराबर 1:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 2:5 है, तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, आप कर सकते हो जल्दी से। यदि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। अब आपको पता है क्या दे रखा है, आपको ए देखो बी दोनों में है, उसको बीच में लिखना है। दोनों में दोनों का पड़ोसी कौन है, बी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। दोनों में कौन है, बी, इसका मतलब बी को बीच में और ए और सी को साइड में। अब क्या करना है, मान दे रखे ए का मान कितना 1 b का मान कितना है 2, और फिर देखो b का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 5 है, तो 2 और 5 है, तो 2 और 5। अब क्या करना है आपको, अब आपको खाली जगह वहां कौन कब्जा करेगा, पड़ोसी, जहां प्लॉट खाली दिखे वहां पड़ोसी कब्जा कर लेता है। फिर यहां देखो कौन आएगा, यहां ये पड़ोसी आएगा 2। अब आपको क्या करना है, आगे वही तरीका गुणा कर दो, 2 4 और 5 2 10, ये आपका वैल्यू आई। अब आपको क्या चाहिए, ये तो मान ए का है, देखो ये किसी में ए का है, ये बी का है और ये सी का है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, ए अनुपात सी बताओ, क्या ज्ञात करना है, ए और सी, तो केवल ए और सी का लिख दो। ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है, सी का मान देखो 10 है, तो 2:10। यदि अनुपात मैंने पीछे के वीडियो में बताया है, अनुपात में यदि कटता है तो काट देते 1:5 क्योंकि 2 से कट रहा है, ये आपका उत्तर आएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन बढ़िया लग रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए,
वो क्वेश्चन का जवाब आपको यदि पिछले के कोई बात नहीं दी है कोविड में, लेकिन इसका जवाब जरूर देना आप जल्दी से, मेरे बताने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब देना। चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता हूं, ए अनुपात सी बराबर 3:4 है तथा बी अनुपात सी बराबर 2:5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? जल्दी से इसका जवाब निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। चलो देख लेते हैं, देखो जल्दी से आप करो इसका। अब चलो मैं बता देता हूं आपको, मैंने अभी बताया था आपको दोनों में क्या है, दोनों का पड़ोसी कौन है, दोनों का पड़ोसी है देखो सी है, कौन है सी है, तो आपका कॉमन पड़ोसी कौन होगा, सी होगा। चलो सी को क्या लिख लेते हैं बीच में, और ए और बी को क्या लिखना है साइड में लिखना है, ए लिखा और ये लिखा बी, साइड में लिख दिया। अब आपको क्या करना है चलो देख लेते हम। अब जल्दी से आप क्या कर दो, जिसका मान ए का मान कितना है 3 a के सिद्ध में, सी का मान कितना है 4 सी के सिद्ध में लिख दिया। अब देखो बी का मान कितना है 2 बी के सिद्ध में लिखना है, ठीक है ये ध्यान रखना बी के सिद्ध में, और सी का मान कितना है, सी का मान ये है देखो सी का मान कितना है 5 है, तो सी के सिद्ध में 5, ये बात हमेशा ध्यान रखना अपने मान होते हैं उसके सिद्ध में लिखो। अब जहां खाली जगह दिखे वहां पड़ोसी का ये ललचा जाता है और कब्जा कर लेता है। चलो अगला, यहाँ खाली जगह कौन आएगा पड़ोसी आएगा। अब आपको क्या करना है वही तरीका, गुणा कर दो 5 3 15, 5 को 20 फिर 8, यह है आपका एबीसी का मान आ गया। यदि कटता है तो काट दिया करो, आपको एबीसी का ही मान हो जाए तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा 15:20:8, किसी से कट नहीं रहा, यदि कटता है तो हम काट देते हैं, ये मैंने सिखाया आपको। यदि डबल अनुपात देखिए तीनों का साथ कहे तो कैसे ज्ञात करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में है। चलो और देख लेते हैं आगे थोड़ा सा बड़ा, हालांकि कंप्यूटेशन लेवल में इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे आ चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कई बार देता है ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 2:5, सी अनुपात डी बराबर 7:2 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा इस क्वेश्चन में? तो आप हालांकि ये क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं, जल्दी से आप करने की कोशिश कीजिए। क्या दिए, ए अनुपात बी बराबर 1:2 है, बी अनुपात सी बराबर 2:3 है, फिर सी अनुपात डी बराबर 7:2 है, तो चारों का एक साथ निकालिए, वही तरीका ABCD लिख लो, ABCD अब की बात 4:1 है। अब आप क्या करना है, जो मान दे रखे कितना दिया 1 और 2, ए बी सी का मान बी सी का मान 2 और 5, आगे सी डी का मान 7 और 2 ये आपने लिख लिया। अब आपको मैंने बताया था खाली जगह होती है तो पड़ोसी का जी ललचा जाता है और उस जगह पड़ोसी कब्जा कर लेता है। चलो देखते हैं, ये रहा पड़ोसी, प्लॉट खाली दिखा पड़ोसी का जी ललचा है और यहाँ गए। अब पड़ोसी रहा नहीं जाता पड़ोसी से, यदि आगे और प्लॉट खाली दिखे तो वहां भी कब्जा करने का उसका जी ललचा है, तो आगे भी कौन आएगा यही 2। देखो किसी को खुली देने पर वो आगे आगे बढ़ता जाता है, आप सबको पता भी। चलो अगला, यहाँ कौन आएगा 5 आएगा। अब बात कर लेते हैं यहां कौन आएगा 2 आएगा पड़ोसी। अब बात करें यहां कौन आएगा 7 आएगा और यहां भी 7, क्योंकि आगे आगे बढ़ता रहता है। अब आपको क्या करना है, इनको गुणा कर देना सबको। चलो करते हैं 14 कितना आया 14 अनुपात लगा दो, फिर देखो 4 28, फिर देखो 35 2 70, फिर आगे देखते हैं ये हो गया देखो 45 2 9 45 2 90। अब देखो यदि कट रहा है तो काट दिया करो, 2 से कट रहा है कितनी बार 7 बार, 14 बार, 35 बार और 45 बार, ये 2 से काट दिया। अब देखो कटेगा नहीं तो अभी नहीं काटना है, जितना कटे। अब आपका मान आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आया 7:14:35:45, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए।
चलो अब आगे बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा और आगे। ये मैंने आपको इस तरह मान निकालने बताया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, नहीं वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए लिखता हूं। अब कई बार आपको देता है, चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही और दे देता हूं। ए अनुपात बी बराबर 1:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:7 है तथा सी अनुपात डी बराबर 2:3 है, तो ए अनुपात डी बराबर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन देता है। तो उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन तो कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। कल जो सही जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पे नए हो तो रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, और जो बेल आइकन आएगी साइड में उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो एजुकेशन रिलेटेड डालूँ तो आपको पता चल जाए और वीडियो आप जल्दी से देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।